श्री राम श्री कृष्ण गौतम बुद्ध जैसे अवतार पुरुषों ने जन्म लिया। यहां वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जैसे काल ज्ञानी हुए। यहां परम सत्यों के पुण्य प्रताप से पुण्य मार्गों का अनुसरण कर आदि शंकराचार्य जैसे कितने ही महान योगियों ने यहां परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में अवतरण किया। श्री गुरु राघवेंद्र स्वामी, श्री रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि जैसे दिव्य आत्माओं ने यहाँ की भूमि को पवित्र किया। ऐसे ही एक महान विभूति हुए साईनाथ। पूरे विश्व में लाखों हृदयों में साई तत्व विराजमान है। भारत में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहाँ साई का मंदिर ना हो। वो कहाँ से आए, उनके माता पिता कौन थे, कोई नहीं जानता। दत्तात्रय का अवतरण भक्त वृंद भव तरण
सतगुरु का सत्संग मिले सदानंद हृदयंग। एक समय अनंत लोक में अद्भुत घटना हुई, परम पति व्रत कौन विश्व में शिव से पूछे पार्वती। ब्रह्मा मानस पुत्र है जो उन अत्रि महामुनि पत्नी, अनसूया परम साध्वी है बोले उमापति। सुनकर तीन देवियों में तब ईर्ष्याग्नि दहके, अनसूया के परीक्षा लेने भेजे अपने अपने पति। अतिथि रूप में पहुंचे देव जब सती ने उनकी पूजा की, हो निर्वसन हमें भोजन दो शर्त ये जब रखी। स्तब्ध रह गई सती, शिशु बना कर त्रिदेवों को त्यागे वस्त्र सती ने तब। माता बनकर दूध पिलाया जग के पालनहारों को, जाना जब पति शिशु बन गए लक्ष्मी सरस्वती। पार्वती विलाप कर उठी, रो रो कर पति भिक्षा दे दो पल्लू पसार याचना की। तीन देवियों को दे त्रिदेव तब अनसूया अब सास बन गई। ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश अत्रि मुनि के दत्तक हो गए, अत्रि मुनि के दत्तक हो गए। सृष्टि स्थिति लय कारक जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक देह में समा गए। सब धर्मों के एक रूप में पृष्ठभूमि में गौ करुणामयी। चार वेद जो चले साथ में चार श्वान लोकोक्ति से। समर्थ सद्गुरु वंश ही वो दत्त के पांचों वंश है जगमग है। धर्म ज्योति बनकर जगमग है, धर्म ज्योति बनकर। ईश्वराय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम रुद्राय नमः। एक बालक ध्यान में बैठा हुआ है, चलो देखते हैं। चलो महल समिति। कौन है रे ये? गांव में नया है क्या? पता नहीं
कौन है? इससे पहले कभी नहीं देखा है। आंखें क्यों बंद की है? हाँ, पूछ कर देखते हैं। ए, कौन है तू? बोलता क्यों नहीं? तुझसे पूछ रहा हूँ। ए, ए, आंखें क्यों बंद की है? बोलना। ए, गाओ, ए, 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 बच्चों, जाओ जाओ यहाँ से भागो। गंगा भाई, इस बालक में मुझे एक तेज दिखाई देता है। हाँ महालसपति, ये बालक तो बाल योगी सा दिख रहा है। मौसी, सुना तुमने? नीम के पेड़ के नीचे एक बालक ध्यान लगाकर बैठा है। हाँ रजिया, मैंने भी सुना है, वो बालक तेज से जगमगा रहा है। अरे उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ बालक किसका बेटा है? अरे माँ बाप होते तो पेड़ के नीचे ऐसे अनाथ की जैसे क्यों बैठता? पर पता है उसके चेहरे पे बहुत नूर है। हाँ ये तो सच है। ऐसे क्यों कांप रहे हो? क्या सांप देख लिया है? गुरुदेव, सांप ने आपको भुस भुस करके काट लिया। कब? अभी। सच कह रहे हो? आंखों से देखा है गुरुदेव। ठीक है, वो सांप कहाँ गया जाकर देखो तो। चलो। देख तो, मर गया गुरुदेव। सांप के काटने से आदमी मरता है, आपको काटने से सांप मर गया। तड़प तड़प के मर गया। ए, माय नेम व्हाट? भाटिया। मैं हूँ। आप इस गांव के सरपंच? दिस ईयर व्हाट? 1854। हमारे देश में कौन राज कर रहा है? इंग्लिश लोग। उनकी भाषा? इंग्लिश स्पीच। आई नो इंग्लिश, आई पिक इंग्लिश, बटलर इंग्लिश। शट अप। हमें उनकी तरह इंग्लिश में बात करनी चाहिए, क्रूर बनना चाहिए। हमारा सामना करने वाला कोई भी हो, खत्म होकर उस सांप की तरह मरना चाहिए। आपके मुंह में तो सांप से ज्यादा विष है। सिर्फ विष ही नहीं, विषय भी भरा है। ये विषय मालकिन को भी बताओ ना। देश पांडे, दुर्गा शिंदे, कृष्ण धुमाल, पंडरीनाथ। ये किसके नाम है? हमें जब बच्चे पैदा होंगे ना तो ये नाम रखने की सोच रही हूँ। आपको तो किसी की पड़ी नहीं है, सिर्फ ब्याज की चिंता करो। सुनो जी, मैंने सुना है कि गांव के बाहर नीम के नीचे कोई बालक बैठा है, बहुत सुंदर है वो, जगमग चमक रहा है, उसे ही लाकर अपना बेटा बना लेते हैं। उसे ही क्यों ले? कुत्ते के पिल्ले को बड़ा कर लेंगे। हाँ, रखवाली करेगा। मुर्गे के बच्चे को अगर बड़ा किया, कुकड़ों को करके सुबह उठाएगा, और नहीं उठाएगा तो खाने में मिलाकर खा लेंगे। मेरी बात तो सुनिए, पूरे गांव में उस बालक को लेकर बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। हे शट अप, लोगों को अच्छी बातें करनी चाहिए इस भाटिया के लिए। उसे गांव से बाहर फिकवा दूंगा। हे चलो रे। लग रही है, ले ये रोटी खा ले। ये मेरे लिए स्वादिष्ट ही है। नीम का पत्ता स्वादिष्ट? वो तो कड़वा होता है ना। अच्छा, चक्कर देखिए तो। शक्कर की तरह मीठा है। अच्छा हाँ? लाओ मुझे भी चखने को दो। गन्ने जैसा मीठा है। महासभापति, क्या बकवास कर रहे हो? नीम का पत्ता मीठा सुना है कभी? सुन रहे हैं, इसलिए कॉक और बुल की स्टोरी सुना रहा है। सुनकर नहीं, चख कर देखो। इनको भी एक पत्ता दो बेटा। दिखा। मुझे भी दो। ईश्वरम सद्गुरुम
जहर से भी कड़वा है। यद भावम तद भवती। ए बोल, कौन है तू और कहां से आया है? ये चमकती बिजली कहां से आई? आई सी, तेरा गांव कौन सा है? उस चमक का कौन सा गांव है? मुझे क्वेश्चनिंग है। ठीक है, मैं गांव का मुखिया पूछ रहा हूँ, बाप का नाम क्या है? नहीं जानता। ठीक है, तुम्हारी माँ कौन है? नहीं जानता। गांव नहीं पता, नाम नहीं पता, माँ बाप कौन है नहीं पता, हवा में पैदा हुआ है क्या इसीलिए बकरी की तेरे पत्ते खाकर जी रहा है? पागल लगता है। पत्ते खाने वाले यदि पागल होते हैं तो मैं भी पागल हूँ। सुना सुना, पागल है खुद मान रहा है। सुनो, बच्चे हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, हमारे गांव में पागल बहुत है, नए पागल के लिए जगह नहीं है। कल सुबह होने से पहले इस गांव से चला जा। अगर कल तुम वापस मुझे इस जगह पे दिखेगा ना, तो मैं कौन हूँ अच्छी तरह से दिखा दूंगा। अरे वो तो आप आज भी दिखा सकते हो। ए, आज मूड नहीं है मेरा। गो गो गो, चलो चलो। देखा उस बालक को, अच्छा है ना? चुप रहो। देखिए मैं, शट अप। कल सुबह होने तक उसका गांव से पैकअप। मुझे बच्चे का योग नहीं है। ये तो आश्चर्य हो गया गंगाबाई, बड़ा विचित्र लगता है। हाँ। ये पेड़ है, झड़े हुए पत्ते हैं, पर खाने वाला वो बच्चा नहीं है। नहीं है। कहाँ चला गया? गायब हो गया। गो भाई गो, इस भाटिया की मार से डरकर भाग गया। ऐसा मत कहो भाटिया, गांव में वर्षा हुई, पानी से जमीन भीग गई, पर इस नीम के पेड़ के नीचे एक बूंद पानी नहीं बरसा। देखो, ये भी कोई लॉजिक है? वहाँ वर्षा हुई, यहाँ वर्षा नहीं हुई। ठीक है, कोपर गांव में वर्षा हुई पर यहाँ वर्षा नहीं हुई। यहाँ बादल में पानी था पर पेड़ के ऊपर वाले बादल में पानी नहीं था, फिर वर्षा कैसे होती? भाटिया, वो बालक सचमुच महिमावान था, मेरा विश्वास करो। कौन सी दुनिया में हो तुम? वो बालक चोर था, जादू वादू सीख कर इस गाँव को लूटने आया था। इस भाटिया के क्वेश्चनिंग करते ही भाग गया यहाँ से। हे मैड फेलोस, गो 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 चलो जाओ। क्या भीड़ लगा है यहाँ से? ईश्वर जाने वो बालक कहाँ गया। वो कहाँ गया होगा क्या पता। सबका मालिक एक है।
अवतार माना है तुमने, ईसा को देव पुत्र जाना है तुमने, अल्लाह दे ऐसा पुकारा है तुमने, जिस नाम से भी पुकारो से जैसे भी उसकी पूजा करो, ये सारी सृष्टि बना के चला रहा जो एक ही ईश्वर, एक ही ईश्वर, एक ही वो परमेश्वर, एक ही वो परमेश्वर। भगवा ये ध्वज उठा के ओंकार नाद करते हिंदू मत तुमने कहा है, हरे रंग के झंडे में वो हिलाल लहला के इस्लाम तुमने कहा है, सूली पे ईसा रक्त धोके अपने आंसुओं से ईसा मत तुमने कहा है, बौद्ध मत जैन मत सिख मत मानते जो सबके मन सबके तन में बसा है जो, ये सारी सृष्टि बना के चला रहा जो एक ही ईश्वर, एक ही ईश्वर, एक ही वो परमेश्वर, एक ही वो परमेश्वर। जरंक कान भेद करती हवाएं, ये है परम देव की कृपाएं, सोने का हो घर गरीब का छप्पर भेद बिना बरसता है पानी, ये मालिक की है मेहरबानी, सारे मानवों के दिल में अपना घर बना के सदा रहता है वो परमेश्वर, धर्म और कुल की तुम जातियों की भ्रांति छोड़ो, हर कण में हर क्षण में प्रतिबिंबित है, हर जीव ईश्वर का प्रतिरूप है, ये सारी सृष्टि बना के चला रहा जो एक ही ईश्वर, एक ही ईश्वर, एक ही वो परमेश्वर, एक ही ईश्वर, एक ही ईश्वर, एक ही वो परमेश्वर। बिजली, 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 बिजली। चांद भाई, चांद भाई, कोई देख तो नहीं रहा। यहां, यहां चांद भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो चांद भाई? मेरा नाम तुम कैसे जानते हो? जानता हूँ, इसीलिए तो पुकारा। अच्छा, तो मैं यहाँ किसे ढूंढ रहा हूँ बताओ तो? खोए हुए अपने घोड़े बिजली को। या अल्लाह,
तुम तो सच कह रहे हो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तुम्हारा नाम क्या है? आज तक मुझे किसी ने भी किसी नाम से नहीं पुकारा। सब बताया है ना? अच्छा, मेरी घोड़ी कहाँ है बताओगे? वहाँ उस तालाब के पास। अरे, अब तक मैं वहाँ खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला कर क्या किया? चिल्ला चिल्ला कर आया हूँ। चिल्लाने से नहीं आएगी, प्रेम से पुकारो तो आएगी। हर काम में श्रद्धा और सबूरी होनी चाहिए। मैं बुलाऊं? बिजली। वो देखो, माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा घोड़ा आ गया ना, अब तुम मुझे अपनी चिलम पिलाओ। चिलम सुलगाने के लिए चिंगारी चाहिए। मांगो तो भगवान कुछ भी देता है। आप मामूली इंसान नहीं है, कोई फरिश्ते हैं। सबका मालिक एक है। आपका गांव कहीं आसपास ही है? नहीं, मुझे आगे जाना है। मेरे गांव में शादी है, अगर आप आना चाहें साथ चलिए। आऊंगा, मगर एक शर्त है। अगर मैं रुक गया तो नहीं पूछोगे मैं क्यों रुका? नहीं पूछूंगा। वो उधर मेरी गाड़ियां खड़ी हैं, चलिए। बाबा, बाबा, साई, बाबा, साई बाबा। पर जब मैंने आपका नाम पूछा तो आपने बताया नहीं। मेरा नाम क्या है मैं क्या जानूं? साई कहोगे तो हाँ कहूंगा, बाबा तो भी हाँ कहूंगा। मैं फकीर कह के बुलाऊंगा, दोगे जवाब? तुम फकीर समझते हो तो मैं फकीर ही हूँ भाटिया। भाग गया था ना तू, फिर क्यों आ गया? वहाँ आ गया। इस हवा ने बुलाया, इस मिट्टी ने बुलाया, मैं आ गया। लगता है तेरा पागलपन बढ़ गया है, हैं? तुम इन्हें पागल कह रहे हो? अरे, मेरी घोड़ी खो गई थी, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वो तालाब के पास खड़ी है, ये इस फरिश्ते ने बताया। बहुत बड़ा तीर मार दिया। रहने दो मियाँ, कोई भी घोड़ा पानी पीने के लिए तालाब के पास नहीं जाएगा तो क्या पत्थरों के पास जाएगा? तू चुप रह भाटिया, ये कौन है क्या है मैं जानती हूँ। जब ये पहली बार शिरडी आए थे तब मैंने एक अद्भुत घटना देखी थी। क्या कहा? उस नीम के पेड़ के नीचे तहखाना है, उसमें वो बालक चला गया। हाथ में कटोरा रख दो परवाह नहीं, पर कान में चमचा मत घुसेड़ो। अरे, टेबल स्पून। विश्वास ना करे तो तेरा दुर्भाग्य। ठीक है, जाकर पेड़ के नीचे खोदते हैं,
जैसे तुमने बताया वहाँ कोई तहखाना नहीं मिला तो उसी गड्ढे में तुझको दफना देंगे। हाँ जरूर मुझे दफना देना, देखेंगे। ये सब क्यों? तहखाना निकला तो भाटिया को उसी में दफना। हाँ, हाँ, भाटिया को दफन कर दो। चलो आओ। क्या तेरी आंखें नहीं खुली भाटिया? क्यों भाटिया, यहाँ तहखाना नहीं मिला तो गंगा बाई को दफनाने वाले थे ना? जैसा हमने सोचा था, भाटिया को दफन कर दो। भाग चलिए सर, भाग चलिए, वरना इस खोदे हुए गड्ढे में आप ही दफन हो जाएंगे। इस गड्ढे में आपको डालने के बाद दीपक जलाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वहाँ 5-5 दीप जल रहे हैं। अपने हाथों से हमने आपका खाना खाया है, हम अपने हाथों से आप पर मिट्टी कैसे डालेंगे? गड्ढा, दीप, मिट्टी, दफन कर देंगे, दफन कर देंगे। कहाँ गया? चला गया। कृपया इस तहखाने को ढक दें, ये मेरा कुरुस्थान है। अच्छा साईं, बंद कर दीजिए। ओम साई श्री साई जय जय साई, ओम साई श्री साई जय जय साई साई। शिरडी साई शिरडी साई, शरण शरण शरणम गुरु साईनाथ शरणम, शरण शरण शरणम गुरु साईनाथ शरणम, साई कथा श्रवणम सकल पाप हरणम, साई कथा श्रवणम सकल पाप हरणम, साई दिव्य चरणम भागीरथी समानम, साई दिव्य चरणम भागीरथी समानम, साई दिव्य नामम भवतारक मंत्रम, शरण शरण शरणम गुरु साईनाथ शरणम, साई कथा श्रवणम सकल पाप हरणम। बाबा आप मेरे बड़े भाई जैसे हो। भाईजा, हमारा संबंध इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का है। जोगी घूमे भिक्षाटन करते, सबके पाप अपनी झोली भरते। ओम साई श्री साई जय जय साई, पानी से दिए जगमगा कर खोल दिए सबके ज्ञान चक्षु। ओम साई श्री साई जय जय साई। जल धूनी में हाथ डाल कर
शिशु को बचाने वाले आत्म बंधु है। शरण शरण शरणम गुरु साईनाथ शरणम साई कथा श्रवणम सकल पाप हरणम। शरण शरण शरणम गुरु साईनाथ शरणम साई कथा श्रवणम सकल पाप हरणम। सेवा करके रोगियों की तुमने वैद्य नारायण रूप दिखलाया। ओम साई श्री साई जय जय साई। प्रसव से तड़पती जननी को पुनर्जन्म देकर बचाया। पत्थर रोग भगाया। आपदा मिटाने वाले दीन बंधु है। शरण शरण शरणम गुरु साईनाथ शरणम साई कथा श्रवणम सकल पाप हरणम। उसका रूप छुपा बाघ को भी मोक्ष दिया आपने। जब तूफान में गिर गए शिरडी आसरे को दौड़ने लगे सब। रुक जा वर्षा धनधारी शिरडीपुर विहारी। गुरुदेव ये धुआं आपके जलते हुए सिगार से आता धुआं नहीं है। जब किसी का घर जलता है तो ऐसा ही धुआं आता है। धुआं नहीं है रे, सीने की आग है। क्या आपसे कम ब्याज लेने वाला कोई गांव में आ गया है? ब्याज नहीं रे, हाथ में छड़ी लेकर घूमने वाले उस बाबा की लोग जय जयकार कर रहे हैं। मेरे हाथ में भी छड़ी है, मेरी क्यों नहीं करते? उसके जैसी मेरी भी जय जयकार हो इसलिए क्या करना चाहिए? बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि लोग बाबा की तरह आपकी जय जयकार करें, तो एक बढ़िया सा घोड़ा ले लीजिए। जब उस पर चढ़कर जब आप चलेंगे तो लोग जोर से लगाएंगे लगाएंगे बोलो भाटिया की जय, बोलो भाटिया की जय, बोलो भाटिया की जय। मतलब अच्छा घोड़ा खरीदना पड़ेगा। लक्ष्मी बाई कहिए। बाबा भूख लगी है लक्ष्मी बाई, थोड़ी रोटियां बना दोगी? आपको भूख लगी है बाबा? मैं अभी घर जाकर रोटियां बनाकर ले आती हूँ। हाँ बाबा। हाँ मैं रोटियां बनाकर ले आई हूँ, आप
खा लीजिए बाबा। बाबा आपने कहा तो मैं तुरंत रोटियां बनाकर ले आई, आपने उसे क्यों डाल दी? लक्ष्मी भाई, मैंने तुमसे क्या कहा था? कहा था कि भूख लगी है। मैं बोल सकता हूँ इसीलिए मांग लिया, ये बेजुबान है इसीलिए मांग नहीं सका। उसकी भूख मिटी जैसे मेरी भूख मिटी। जरा उसकी आंखों में देखो कितनी कृतज्ञता से देख रहा है। भगवान ने सृष्टि में मनुष्य और पशुओं दोनों को भूख दी है, पर मनुष्य को ज्ञान दिया है, पशुओं को नहीं। आज आपने मेरे अज्ञान को मिटा दिया बाबा। तुम्हारा ही नहीं लक्ष्मी बाई, सबके अज्ञान को मिटाएगी ये धोनी। कौन है वो, कहां से आया, यहां कैसे आया वो फकीर? खुद जो मांगता है भीख, कैसे तुमको मुक्ति देगा? धोखेबाज चालाक है मायावी, नहीं नहीं वो केवल मामूली। सिद्ध करूंगा, सिद्ध करूंगा, सबकी आंखें मैं खोलूंगा, मैं खोलूंगा, मैं खोलूंगा। इसे काशीराम ने बड़े प्रेम से भेजा है, इसे श्याम करणी कह के पुकारेंगे। तुकाराम आज से इसकी देखभाल तुम करोगे। अच्छा बाबा, चल श्यामकरणी। मैं हूं नानावली, जानते हो? जानता हूं। जानकर भी बैठे हो, उठो। नानावली, तुम जानते हो वो कौन है? जानने के लिए आया हूं। तुम में बुद्धि होती तो ऐसा कहते, तुम्हारी ये हिम्मत? सच जानने के लिए नहीं, सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। तुम पागल हो गए हो? अंधे हो जाओगे। ये कुछ पूछने के लिए बेचैन हो रहे हैं, पूछने दीजिए ना। क्या तुम भगवान हो? किसने कहा? इस गांव में जब आया कुछ ने साईं बाबा कहा, कुछ ने मुझे फकीर कहा, जिन्हें औषधि दी उन्होंने हकीम कहा, अब तुम मुझे भगवान कह रहे हो? सबका मालिक एक है। अच्छा, जब सबका मालिक एक है तो फिर ये राम शिव कृष्ण इतने नाम क्यों? ये क्या है? पानी। इसे हिंदी में जल कहते हैं, तमिल में तन्नीरु, कन्नड़ में नीरु, तेलुगु में नीरु, मलयालम में वेल्लम और इंग्लिश में कहते हैं वाटर। इतने नामों से पुकारा पर वस्तु तो एक ही है, भगवान भी वही है। चतुराई से बच जाओगे ये सोच रहे हो? अब मेरे प्रश्नों का सही समाधान करो। हवा से तेज क्या चलता है? मन। मन से तेज कौन भागता है? विचार। बुद्धिमान जीव का नाम क्या है? मनुष्य। मनुष्य में क्या ना हो? अहंकार। उसमें क्या हो? ममता। दुखों का कारण? इच्छाएं। मनुष्य को किस पर पक्का रहना चाहिए? अपने वचन। और परम शांति कब मिलती है? मृत्यु के बाद। विश्वास नहीं हो रहा, सत्य नहीं दिखाई दे रहा। दिन बीतते हैं, मनुष्य सोचता है मेरी उम्र साथ चल रही है, पर सच यह है कि उम्र ही नहीं, मनुष्य के साथ चलते हैं स्वार्थ, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह। ये उसका मृत्यु तक ईच्छा नहीं छोड़ते, इसीलिए मृत्यु के बाद ही सुख मिलता है। महानुभाव, जीवन मरण के सत्य को बता दिया। बाबा नहीं जानते इसलिए ये प्रश्न पूछ रहे थे नानावली। जो मैं नहीं जानता नानावली ने पूछा ही नहीं। क्यों नानावली? हाँ बाबा, योगियों के योगी हैं आप में सबको विश्वास है, कुछ को विश्वास नहीं है।
उनकी आंखें खोलने के लिए इतनी दूर आकर इतने प्रश्न पूछे? आज्ञा। नानावली। बाबा। मैं नीचे नहीं उतरूंगा। उतर, जल्दी से नीचे उतर। तू रोज स्कूल नहीं जा रहा है, श्याम मास्टर मुझे कह रहे थे। उतर, स्कूल जाना है। स्कूल जाने के लिए कहोगी तो कूद जाऊंगा। मुझे धमकी मत दे, जाना है तो जाना है। मैं कूद जाऊंगा। उतर, मैं कूद जाऊंगा। अब मान भी जा। मैं कूद रहा हूँ। बाबा, बाबा आप तो मस्जिद में थे, यहाँ कैसे आ गए? मुझे आने के लिए सवारी की जरूरत नहीं है भाईजा भाई। आपने मेरे बेटे की जान बचाई, आप साक्षात भगवान हैं, ईश्वर हैं। नहीं भाईजा भाई, मेरी भूख मिटाने वाली माँ हो तुम ढूंढ ढूंढ कर मुझे रोटी खिलाती हो, स्नेह ममता मई माँ हो। तुम्हारा कर्ज चुकाना है तात्या। तात्या, तेरा मेरा 72 जन्मों का साथ है। जैसा माँ ने कहा, स्कूल जाकर पढ़ाई करो। स्कूल जाकर पढ़ूंगा, बोल। अल्लाह अच्छा करेगा। आपके इस घोड़े पे चढ़ने से इस घोड़े की शान बढ़ गई है, नहीं तो आपको देखने वाला हमारे सिवा कोई नहीं है। अल्लाह मालिक है। अरे गुरुदेव, जरा वहां देखो। थी, थी, थी। औरतें वहां नहा रही हैं। चप्पल उठा के मारेंगी। अरे या नहीं, वहां वहां। अरे बाबा बाबा बाबा। नो बाबा, ये बाबा नहीं ढोंगी बाबा है, साबित कर देंगे। मस्जिद जाकर रसीद देकर शिरडी से भेज देंगे। कैसी खोपड़ी है, और टोपी निकालेंगे तो पता चलेगा। चुप चुप करो, चलो चलो। कब हो जाएगा? ए फकीर, ए फकीर, सुन रहे? बाबा को ऐसे तू फकीर कहता है, अंधा हो जाएगा। और भी बहुत बोलूंगा, सबको माया जाल में फंसाया है, अभी बताऊंगा उसका नाटक। तू क्या बताएगा, तुझे तो यहाँ से बाहर कर देंगे। ए, उसकी माया जब तुम समझ जाओगी तो तुम ही गला पकड़ कर भगा दोगी बाबा को। मैं माया कर रहा हूँ, बदन पर यह कफनी, हाथ में भिक्षा पात्र के सिवा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं कहते हो ना, सबको बताते हो कि तुम ईश्वर हो, है ना? सचमुच अगर तुम्हारे पास महिमा है तो खाने के लिए भीख क्यों मांगते हो, खुद ही प्रकट क्यों नहीं करते? तुम तो हवा से रोटियां ला सकते हो, तुम हवा में सब्जियां बना सकते हो, भीख क्यों मांगते हो? Why begging? मैं भीख में लेता हूँ इनके पाप कर्मों को। सुना तुमने, आप सब पापात्माएं हैं, तुम्हारे पापों को ये खुद ले रहा है। मेरी बात तुम्हें सही समझ में नहीं आ रही भाटिया। इस दुनिया में जाने अनजाने हर मनुष्य पाप कर रहा है। धान कूटते समय, घर साफ करते समय, खाना पकाते वक्त वो अनजाने में अनेक सूक्ष्म जीवों की हत्या कर पाप कर्मों को जमा कर रहा है। उनको मैं भिक्षा में लेकर अन्नदान के पुण्य का लाभ उनको दिला रहा हूँ। अन्नदान करने से इतना पुण्य मिलता है? हाँ भाटिया, अपने हाथ की रोटी तुम खाओ तो प्रकृति, सामने वाले के हाथ की रोटी छीन कर खाओ तो विकृति, अपने पास की रोटी सामने वाले को दो तो संस्कृति। अब तो समझ गए ना भाटिया, बाबा क्यों भिक्षा मांगा करते हैं। अन्नदान कितना महान है जानकर लोगों को भोजन खिलाना सीख लो। असली बात पर आते हैं, हमारे मालिक ने बेहिसाब पाप किए हैं, तो आप उनसे भी क्यों नहीं मांगते हो? गिनती नहीं इतने पाप हैं इसके, इतने छोटे घोड़े पर इतना बड़ा आदमी घूम रहा है, पता नहीं इसे खाने को देता भी है या नहीं। इसके पाप भिक्षा से नहीं, सजा से जाएंगे। आप घोड़े पर बैठकर घूम रहे हो ना, इसलिए बाबा को जलन हो रही है। गुरुदेव, ये सारे लोग अज्ञानी हैं। आप घोड़े पर बैठ के गांव में जाओगे ना तो सब लोग सलाम करेंगे। हाँ। चलिए चलिए यहाँ से, चलिए चल घोड़े, चल घोड़े। बाबा को रास्ते से कैसे हटाऊं? हाउ हाउ।
आप हाव हाव करते हो, वो भाव भाव करता है गुरुदेव, चक्कर क्या है? अरे वो गधा भाग रहा है, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। क्या पकड़ना, वो तो भाग गया। अब जब देखो हाव हाव क्यों करते रहते हो, और वो भमो करके ऊपर आ जाता है। मुंह बंद करो, गधे कहीं के। मारो मारो इस पत्थर से, मारो, गहरी चोट लगेगी। मारो पापा। आओ तात्या। पापा मुझे माफ करना, मुझे माफ करना पापा, मुझे माफ करना। बोल, मर गया। बोल नहीं साहब, बोल। कहां से लाया? छोड़ दो। बोल, चोरी का माल कहां से लाया? बोल कहां से लेके आया है ये जेवर और सिक्के? सच बोल रहा हूँ, शिरडी साई बाबा ने ही दिए। शिरडी के साई बाबा ने या ठोंगी साई बाबा ने? बोल, बोल, सच बोल। दास गनु, तहसीलदार साहब, तब से पीट रहा हूँ, सच नहीं बोल रहा। ढोंगी बाबा को यहाँ पर बुला लेंगे, सच्चाई सामने आ जाएगी। कैसी बातें कर रहे हो? शिरडी के बाबा को हजारों लोग प्रेम करते हैं, इतनी महान विभूति को यहाँ बुलाना अच्छा नहीं है, हमें वहां जाना चाहिए। ठीक है, वहीं पूछताछ करेंगे। नमस्कार बाबा। प्रसव वेदना से तड़पती हुई मेरी बेटी को विभूति भेजकर माँ बेटी दोनों के प्राण बचाए। आप ईश्वर के रूप हैं ये भी जानता हूँ, पर एक चोरी के केस में आपसे बात करने आना पड़ा। चोरी वोरी का बाबा से क्या संबंध है? एक चोर है, इस फकीर ने ये माल मुझे दिया, ऐसा ये कह रहा है। उसने ऐसा कहा है? कहा है, इसीलिए पूछने के लिए आया हूँ। दिया है कह रहा है तो दिया ही होगा। बदन पर की कफनी की आठ आने की कीमत नहीं है, खड़ा करके बेचो तो चवन्नी में कोई नहीं खरीदेगा। कहाँ से आया तुम्हारे पास इतना माल? ए हवलदार साहब, जबान संभाल के, बाबा को कुछ कहा तो चुप नहीं बैठेंगे। क्या कर लोगे तुम? तुम सबके देखते देखते इस ढोंगी बाबा को लाठी से पीट कर सचो करवाओ। अगर मेरे बाबा को हाथ भी लगाया ना तो रक्तपात हो जाएगा, खबरदार। यहाँ से वापस नहीं जा सकोगे। देख लेंगे। दास गणु, स्टॉप इट। मैं पूछ रहा हूँ ना, डोंट आर्ग्यू। आपका नाम रिकॉर्ड के लिए जरूरी है, बता दीजिए। साई बाबा। आपके पिता का नाम? साई बाबा। ये क्या है, तुम्हारा नाम और पिता का नाम एक कैसे हो सकता है? नहीं होना चाहिए, कोई कानून है। आपके गुरु का नाम? वेंकसा। आपका कुल? देवकुल। आपका पंथ? कबीर पंथ। आपकी उम्र कितनी है? 200,000 साल। आप न्यायमूर्ति से बात कर रहे हैं, असत्य मत बोलिए। मैं कभी असत्य नहीं बोलता। देखा सर, केस कोर्ट में ले जाना था, ये बड़े आदमी है इसलिए यहाँ ले आए। ये कह रहा है कि उसने दिया, वो कह रहा है कि झूठ बोलना नहीं आता। अरे फिर कहाँ से आया ये माल? भगवान ने दिया? मैंने दिया है, 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 मैंने भी दिया है, मैंने दिया है, मैंने दिया है, मैंने दिया है। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा, चोरी मैंने की है, पर आपके लिए ये सब हमने चोरी की है, मान रहे हैं। अपने पत्नी के रोग को ठीक करने के लिए आए बाबा के एक धनवान भक्त से ये माल चुराया है,
तहसीलदार साहब, चोरी मैंने की है, सजा मुझे दीजिए। पश्चाताप से बड़ी कोई सजा नहीं होती, इसलिए तुम्हें निर्दोष घोषित कर रहा हूं। बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए। अपना धर्म आप निभा रहे हो, पर इस हवलदार ने बड़ी बड़ी बातें की। हमारे बाबा का अपमान किया है, उसका फल मिलेगा। पैर छूकर क्षमा मांग लो। बाबा, चोरों को जेल भेजना ही मैं बस जानता हूं। चोरों को ईमानदार बनाने का काम आप करते हैं। आपकी महानता जाने बिना कई बातें भूल गया। अपनी जीभ काट भी दूं तो ये पाप नहीं मिटेगा। मेरे पापों से मुक्ति के लिए मुझे प्रयाग जाकर गंगा यमुना में डुबकी लगानी पड़ेगी। गंगा यमुना में डुबकी लगानी पड़ेगी। दास कनु, गंगा यमुना के लिए प्रयाग तक की यात्रा क्यों? इच्छा करो तो यहीं बहने लगेगी। राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इन चरणों से निकली गंगा यमुना, हम सब ने पाई है ममता करुणा। साई चरणों से निकली है गंगा यमुना, हम सब ने पाई है ममता करुणा। हर पुण्य क्षेत्र पुण्य तीर्थ तू ही है, हर जीव हर भावना में तू ही है, कण कण में तू बसा है साई। चार धाम द्वारका माई, कण कण में तू बसा है साई। चार धाम द्वारका माई। श्री राम के सिवा मैं किसी और को प्रणाम नहीं करूंगा, मुझे जाने दो। मेरी बात सुनो, एक बार बाबा के दर्शन कर लो, अपने आप जान जाओगे। आओ, ढोंगी बाबा अलग है, शिरडी बाबा अलग है, मैं कह रहा हूँ ना, आओ। पुरुषों में पुरुषोत्तम हो, कौशल राम जैसे दिखते साई, भक्ति के महिमा बताए, मारुति से लगते साई। अपने भक्तों पे करुणा बरसा के, भोला शंकर से दिखते हो साई। कोटि कोटि देवता तुम्हें समाए, कोटि कोटि देवता तुम्हें समाए, एक में अनेक रूप तुमने दिखाए, एक में अनेक रूप तुमने दिखाए। कण कण में तू बसा है साई, चार धाम द्वार का माई। कण कण में तू बसा है साई, चार धाम द्वार का माई। कृष्णा राधा कृष्णा, हे कृष्णा ग्वाल बाल गायों के रखवाले हो, राह अब दिखाना कृष्णा। छोड़ कर तुझे मैं कहीं जाऊं
से जग में आए कृष्णा, कण कण में तुम समाए कृष्णा, अवतार बन के जग में आए कृष्णा। रुक क्यों गई? आओ सुंदरी बाई। मेरा नाम कैसे जानते हो? सिर्फ नाम ही नहीं, तुम पंडरपुर छोड़कर इस समय यहाँ क्यों आई हो ये भी जानता हूँ। ऐसा कहकर बहुत लोगों को लुभा लिया है, मुझे नहीं लुभा सकते। इस लोक को पालने वाले सर्व अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान की नगरी द्वारका का नाम इस मस्जिद को क्यों रखा है? इसे द्वारका माई कहकर क्यों बुलाते हो? बताओ क्यों रखा है? प्रश्न का उत्तर प्रश्न से नहीं देते। तो फिर सुनो, द्वारका यानी चार दिशाओं के द्वार वाली जगह। कुल, मत, वर्ग, वर्ण, इनके बंधन बिना यहाँ कोई भी आ सकता है, यही अर्थ है। मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, चर्च बनाओ, मिट्टी कंकड़ से ही है ना। मस्जिद मानने वालों के लिए मस्जिद, मंदिर मानने वालों के लिए मंदिर। तुम्हारे हाथ में ये क्या खिलौना है? राधा कृष्ण जी, साधारण आंखों के लिए ये मिट्टी का खिलौना है। तुमने मन से देखा इसीलिए तुम्हें राधा कृष्ण दिखते हैं। विश्वास से देखो, इस मस्जिद में तुम्हें मंदिर दिखेगा, हर एक में तुम्हें अपने कृष्ण दिखेंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, आज से ये शिरडी ही मेरे लिए पंडरपुर है। नित्य राधा कृष्ण की पूजा करती हो, आज से तुम्हें राधा कृष्ण माई कहकर पुकारेंगे, ठीक है ना? मेरा हो भाग्य। कौन है आप लोग, क्यों आए हो? ये सब शिरडी गांव से यहाँ आए हैं, सारे साईं बाबा के भक्त हैं। What Shirdi? Who is Baba? बाबा जी अवतार पुरुष हैं, हमारे लिए बिल्कुल देवता समान हैं। Oh, that Shirdi. वहाँ कोई फकीर विभूति देता है ना? But it's a very small place, isn't it? इन 10-15 सालों में शिरडी में होने वाले हर उत्सव में आने वाले भक्तों की संख्या 75,000 तक पहुँच गई है। इस बार शिरडी में रामनवमी और उर्स एक साथ मनाना है, बाबा ने ये संकल्प लिया है। ये सब परमिशन के लिए आए हैं। But this is the summer season. It's time, but what a problem रहता है ना? जब साईं बाबा ने सूखे हुए कुएं में फूल डाले, वो कुआं पानी से भर गया। खारे पानी का कुआं मीठे पानी का कुआं बन गया है। My God, it's a miracle. इतना ही नहीं, हर साल होने वाले चावड़ी उत्सव में बाबा की पादुका सेवा बड़े धूमधाम से मनाएंगे। साईनाथ महाराज की जय! साईनाथ महाराज की जय! साईनाथ महाराज की जय! साईनाथ महाराज की जय! इसलिए यदि आप अनुमति दें तो रामनवमी और उर्स के उत्सव भी जोर शोर से मनाएंगे। ऑलराइट, परमिशन दे रहा हूँ। तुम्हें बंदोबस्त चाहिए? बाबा की दया दृष्टि ही हमारे लिए बंदोबस्त है। नमस्कार, चलते हैं। नमस्कार। माँ, माँ! क्यों रे, इतना आनंदित क्यों है? बाबा ने श्री रामनवमी का प्रबंध मुझे सौंप दिया है माँ। कहा भतीजे, श्री रामनवमी इस बार तेरे हाथों से मनाई जाएगी। अच्छा, हाँ कहा है तो ऐसे खुशी मत मना, उसे श्रद्धा और सबरी से करना। माँ, बाबा के शिरडी आने से यहाँ न जाने कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये एक तीर्थ स्थान हो गया है माँ। जब छोटा था अनजाने में बाबा की हंसी उड़ाई थी, अब अगर बाबा कहें तो उनके लिए मैं अपने प्राण भी दे दूंगा। बस बस, वो तुझे प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं और तू उन्हें अपने प्राण देना चाहता है। तुम दोनों का संबंध बाबा ही जानते हैं। जब छोटा था तो कहा था ना, हमारा 72 जन्मों का बंधन है। हाँ। हमारे गांव के हिंदू मुस्लिम माया में फंस गए हैं,
धर्म भूल गए हैं, बाबा के चक्कर में फंस गए हैं और उसके साथ ही श्री रामनवमी मनाकर हिंदुओं का और मुस्लिमों का अपमान कर रहे हैं। ऐसा नहीं, इसीलिए मैंने आपको आसपास के गांव से बुलाया है। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो शंकर शास्त्री हो जाएगा शंकर खान और बिस्मिल्लाह खान हो जाएगा बिस्मिल्लाह शास्त्री। एक नई जाति पैदा हो जाएगी। दाढ़ी दाढ़ी है, चोटी चोटी है, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? मेरे इस पवित्र तिलक की शपथ, ये पाप नहीं होने दूंगा, रामनवमी नहीं मनेगी। उसके साथ रामनवमी नहीं मनाएंगे। 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 नहीं श्री राम जय राम, रमणीय नाम रघुराम। श्री राम जय राम, रमणीय नाम रघुराम। रमणीय नाम रघुराम, श्री राम जय राम, रमणीय नाम रघुराम। श्री राम जय बतलाए राम कथा महिमा, राम नवमी बतलाए राम कथा महिमा। श्री राम नवमी बतलाए राम कथा महिमा, श्री राम नवमी बतलाए राम कथा महिमा। गांव में छाया है उत्सव, गांव में छाया है उत्सव, गांव में छाया है उत्सव, गांव में छाया है उत्सव। नाचे धरती और अंबर, राम नवमी जय राम नवमी, श्री राम नवमी बतलाए राम कथा महिमा। दशरथ के घर राम रूप में जन्मे कौशल राम जी, विश्वामित्र संग चले तपोवन, विश्व शांति को राम जी। पाद धूल से अहिल्या तारी, आप है मंगल धाम जी। पाद धूल से अहिल्या तारी, आप है मंगल धाम जी। शिव धनुष तोड़ सीता माता को लेकर आए राम जी। राम साई राम साई राम साई राम, राम साई राम साई राम साई राम, राम साई राम साई राम साई राम, राम साई राम साई राम साई राम। इधर या उधर फैसला हो जाना चाहिए। बंद करो, बंद करो भजन। वो गाना कब का बंद कर चुके हैं। ए चुप है, क्या हो रहा है यहाँ? कौन है यहाँ जो श्री राम नवमी मना रहा है? हम लोग। तुम हिंदू हो? हाँ। एक फकीर श्री राम नवमी मना रहा है और तुम नाच गा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म कैसी, उसके साथ रामनवमी उत्सव मनाने में हमें गर्व हो रहा है। कौन से गर्व की बात करते हो? क्या तुम जानते हो हिंदू बाएं से दाएं लिखते हैं, मुस्लिम दाएं से बाएं लिखते हैं? बिल्कुल सही कहा। हिंदू मूछों को बढ़ाते हैं, मुस्लिम मूछें निकालते हैं। हिंदू दाढ़ी निकालते हैं, मुस्लिम दाढ़ी बढ़ाते हैं। बिल्कुल सच कहा। हिंदुओं के रीति रिवाज अलग है और मुसलमान के अलग है। इनसे क्या बात कर रहे हो? मारो, 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 मारो। ठहरो, इस शिरडी में कितने सालों से हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहते सगे भाइयों की तरह रह रहे हैं, दूसरे गांव से आकर इनमें नफरत की आग क्यों पैदा कर रहे हो? पहले अपनी बात बताओ, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? मैं हिंदू के लिए हिंदू
मुसलमान के लिए मुसलमान। इनसे बात करके कोई फायदा नहीं बाबा, अगर आप कहें तो इन्हें गांव से बाहर कर देते हैं। पास के गांव से यहां झक मारने आए हो, तोड़ दो इस साइलेंस को, मार दो सबको। क्यों भाटिया? हिंदू अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं। ये अब्दुल्ला है मुस्लिम और ये हिंदू, दोनों घायल हैं। इन दोनों में कौन सा हिंदू रक्त है, कौन सा मुस्लिम? सांस लेने वाली हवा का कोई धर्म नहीं, पीने के पानी का कोई धर्म नहीं, जिस मिट्टी में मिलते हैं उसका कोई धर्म नहीं। जब मृत्यु का कोई धर्म नहीं तो फिर जीवित रहने में क्यों? ये शिरडी भारत के लिए ही नहीं, समस्त संसार के लिए एक आदर्श बने, यही मेरी आशा है। सारे धर्मों के लिए ये एक पुण्य क्षेत्र होना चाहिए और वो ये शिरडी ही बने, यही सपना है। अगर मेरी वजह से शिरडी बदनाम हो रही है तो मैं शिरडी से चला जाता हूँ। बाबा, बाबा, बाबा अपने प्रिय भक्तों पर अन्याय मत कीजिए। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो शिरडी किस काम की? नहीं, जाने दो मुझे। नहीं बाबा। क्या कर रहे हो, जाने दो उसे। ए चुप रह बाबा, इस नीच की बात सुनकर हम यहाँ आ गए, हमें क्षमा कर दीजिए। मजहब नहीं, इंसान ही अहम है, हमारी आंखें खोल दी। सब कमाली के एक है, आपकी बातें सही है बाबा। इस शिरडी की तरह हर गांव में एकता हो जानी चाहिए बाबा। बाबा आज से हम सब भाई मिलजुल कर ही रहेंगे। आ जाओ भाई, गले लो। आओ पंडित भाई जान। साईं बाबा की, साई बाबा की जय, साई बाबा की जय, साई बाबा की जय। गुरुदेव आइए, जल्दी चलिए, वरना उस दिन की तरह कुत्ता फिर पीछे पड़ जाएगा। चलिए चलिए चलिए। अच्छा खासा प्लान बनाकर उन्हें ले गया था, फिर वो उससे कैसे मिल गए? हाउ हाउ हाउ, अरे हाउ करो, वो फिर आ जाएगा। अरे बाप रे, वो आ रहा है। अरे वो आ गया, अरे बचाओ मुझे, अरे मुझे बचाओ, अरे ये, अरे अरे अरे, जल्दी जल्दी जल्दी, रन 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 रन, जल्दी रन जल्दी रन। चीची, इस फूल से कितनी गंदी बदबू आ रही है। वो बदबू फूलों से नहीं आ रही है, गुरुदेव से आ रही है, देखो। चीची, ये गोबर कैसे लगा? गोबर नहीं है, वाला मूत्र है। हुआ क्या था इन्हें? रामनवमी के अवसर पर हिंदू मुस्लिमों के लिए भोज रखा गया था। उन्होंने शौचालय के लिए गड्ढा खोदा था, वहाँ पर गुरुदेव ऊंट पर से आकर थपाक से गिर गए, एक घंटा लगा निकालने में। मैंने कहा था बाबा जी के बीच में मत आओ, इसीलिए ऐसा हुआ, देखो। इसीलिए हुआ। मालकिन जी, आपके पास फूल है वो तो ठीक है, आप दूसरे कमरे में सो जाइए। हाँ, सो जाइए। मालकिन, ये उल्टी वो उल्टी है क्या? जोड़ा बच्चे मारो ये तुम बदमाशों को। साई बाबा, साई बाबा की जय, साई बाबा की जय, साई बाबा की जय। सुनो गुरुदेव, अब मेरा जो प्लान है, हम तीनों के सिवा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गुरुदेव, ये ऊंट सुन रहा है। इसकी गर्दन लंबी और खोपड़ी बहुत छोटी है, सुनकर भी क्या कर लेगा। मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, आज आधी रात जब शिरडी सो रही होगी, उस समय बाबा को शाश्वत समाधि में भेज देंगे। कोपर गांव से किराए के गुंडों को बुलाया मैंने, वो साईं बाबा को टुकड़े टुकड़े करके मार देंगे।
समय लगा रहे लोग साई बाबा बाप रे बाप बच गए। अरे हमने जो देखा वो सपना था क्या? भ्रम था भ्रम। इस कोई तक का कोई काम नहीं है, मेरा भी रख लो। अरे अगर ये कोई था हमारे हाथ में देख लिया तो सब समझेंगे कि हमने बाबा को मार डाला। अब क्या करें? कुएं में डाल देते। तो इसे अंदर डाल दे। हाँ, अंदर डाल देते। चलो 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 चलो। आ गए तुम लोग, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए ना। बोलो रे, बोलो बाबा को मार डाला खुशखबरी तो। टेंशन है रे, बाबा के टुकड़े टुकड़े हो गए। शाबाश शाबाश, इस गांव का शनि चला गया, अब इस भाटिया के मुकाबले कोई नहीं। गुरुदेव, बाबा मर गए ये सच है, पर मारा इन लोगों ने नहीं। हाँ, तुमने नहीं? हाँ, हमारे पहुंचने से पहले उनके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। अच्छा, किसने किया होगा? किसी ने भी किया तो क्या, बाबा की पीड़ा से पीछा छुड़ाना चाहता था, हो गया। खुशियां मनाने की जगह तुम लोग दुखी क्यों हो रहे हो? हम दुखी हो रहे हैं आपके लिए गुरुदेव। बाबा का इस गांव में एक ही तो दुश्मन है, वो आप हैं। बाबा को किसने मारा? अगर गांव वालों ने इसकी छानबीन की तो सबसे पहले शक आप पर आएगा। गाँव के सारे लोग लाठियां लेके आ जाएंगे, पक्का। आपके टुकड़े करना पक्का। पुलिस का आलम पक्का। आपका गला दबाना पक्का। फाल्किन विधवा हो जाएगी पक्का। चुप रहो, मुझ पर किसी को शक ना हो जाए इसलिए तुम जो खंजर ले गए थे उसे किसी और के घर में डाल लो। अब कहाँ का कोई था गुरुदेव? डर कर हमने वो कुएं में डाल दिए। गधे के बच्चे अब क्या करेंगे? क्या तुम्हें बाबा की मस्जिद की तरफ जाते समय किसी ने देखा था? हाँ, नाना वाली ने देखा था। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी आ जाओ। पग पग साई हर। अरे नाना वाली आ रहा है। ए, कोई तो छुपा लो। आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? हम शौच के लिए जा रहे थे जी। शौच तो कभी भी करने जा सकते हैं ना। ये लोग कौन हैं? वो क्या है ना, रात को भूत पिशाच रहते हैं, इसलिए हम राक्षसों को नहीं जा रहे थे। नहीं नहीं, हम ऐसे ही सो जाएंगे, रोक लेंगे। चलो भाई चलो चलो। फंस गया पागल, वो कब क्या करता है उसे भी पता नहीं होता। एक काम करो, बाबा को उसी ने मारा है ये बात लोगों में फैला दो, तुम जो मांगोगे दूंगा। बाबा को मार डाला। नानावली, क्या कर दिया तूने? ये क्या कर दिया तूने नानावली? बाबा 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 बाबा, अरे बाबा, साईं बाबा, टुकड़े टुकड़े कर दिया आपके, नहीं देख पाऊंगा मैं। मेरी आंखों पे पट्टी बांध। पट्टी बांधोगे तो कैसे दिखेगा? छू कर देखूंगा मैं, छू कर। आराम से। मैं नहीं देख पाऊंगा। देखिए, मैं नाना वाली बोल रहा हूँ, बाबा वो देखो। Thank you.
बिना सीढ़ी के कैसे नीचे उतर आए? उनके लिए हवा में सीढ़ियां होती हैं। साईं बाबा की जय! साईं बाबा की जय! भाटिया, तुमने जो सोचा था वो नहीं हुआ, दुखी हो रहे हो? अभी भी अपनी आंखें खोल लो। ए बेवकूफो, बाबा टुकड़े टुकड़े हो गए कह रहे थे ना तुम? मूर्ख, बाबा ऋषियों में महर्षि हैं, योगियों में महायोगी, गुरुओं में सदगुरु, सिद्धियों में महासिद्धियों वाले संसार में बहुत कम लोग जानते हैं खंड योग। जो बाबा जानते हैं वो अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर फिर से जोड़ सकते हैं। यही हुआ था। ए, सारा कंफ्यूजन है, ये अलग अलग होना क्या है, जुड़ जाना क्या है? भाटिया, भूख हो तो खाना खा के भूख मिटा सकते हो, रोग है तो उसे औषधि लेकर कम कर सकते हो, मन में जो द्वेष है उसे प्रेम से मिटा सकते हो। मेरी बात समझ में नहीं आई ना? चलिए इससे पहले कुछ हो जाए यहाँ से चलिए। अप्पा बप्पा, कोई फायदा नहीं, बाबा का अंत देखना है। पर हाउ हाउ। अरे आप यह हाउ हाउ बंद कर दो वरना कुत्ता पीछे पड़ जाएगा। चलो चलते हैं, यहीं है, चलो उधर चलो। महंती, ए महंती, अरे वहाँ सबके सामने नकली आंसू बहा बहा कर थक गया हूँ मैं, पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। गरम गरम रोटियाँ रेडी करो। रोटी गरम गरम रोटी, जरा हाल देखिए तो। ये क्या है, यहाँ तो पूरा घर उजड़ा हुआ है। जहाँ बच्चे खेलने चाहिए थे वहाँ तो तुम ऊंट घोड़े उठा लाए। उसका मकल ऊंट ने घर में गर्दन घुसाकर जो भी मिला सब खा लिया, बस मुझे छोड़ दिया। गुरुदेव, मैंने कहा था ना, ऊंट कान लगाकर सुन रहा है, पर आप माने नहीं, उस वक्त आपने ब्रुत कर दिया। कहा था ना बाबा से दुश्मनी मत लो, देखो कैसा फल मिला है। गुरुदेव, इस बार हम बड़ा हाथी खरीदेंगे। हाँ, वो सूंड ही डालेगा या फिर मालकिन को प्रणाम करेगा। मां डालूंगी बेवकूफो, घर में जो कुछ भी था घोड़े को और ऊंट को खिलाने में खत्म हो गया। अब हाथी खरीदने की सोच रहे हो तो तुम्हारे गुरुदेव को उसे खिलाने के लिए मुझे बेचना पड़ेगा। क्या बात है बाबा, इतने दिनों से ये ईंट सिराने क्यों रखी हुई थी? आप कहते तो रुई का तकिया बनवा देते। बाबा, इस ईंट पर खून के निशान कैसे हैं? ये ईंट नहीं है, ये मेरे प्राण हैं, मेरे गुरु वेंकसा का खून लगा है इस पर। आपके गुरु का रक्त कैसे? मैं और कुछ दूसरे शिष्य गुरु जी के पास गुरुकुल में शिक्षा लेते थे। दूसरों के मुकाबले मेरी श्रद्धा और सबूरी अधिक थी, इसीलिए गुरु जी मुझे विशेष ज्ञान बोध देते थे। रात दिन मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उपनिषदों का सार, वेदों में छिपा मर्म, शास्त्रों की गहराई मुझे बताते थे। ये देखकर ईर्ष्या रखने वालों में से एक शिष्य ने एक ईंट से मुझे मारने की कोशिश की। हट जाओ गुरुदेव, गुरुदेव। नहीं बेटा, मेरे लिए दुखी मत हो बेटा। ये ईंट मामूली ईंट नहीं है बेटा, ये मेरे रक्त से सनी हुई ईंट है। आज से ये तुम्हारे पंच प्राण हैं। ये ईंट अगर टूट गई तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। हाँ, लो इसे रखो, आयुष्मान भव। ये ईंट अगर टूट गई तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे क्षमा कर दो बाबा, सफाई कर रही थी तो ये गिर गई, आपको कुछ हो जाता तो। भाईजा भाई, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? भगवान कोई संकेत देने के लिए ही ऐसा करते हैं। ये कैसा संकेत है बाबा? अगर आपको कुछ हो गया
तो हम सह नहीं पाएंगे। केवल हम नहीं बाबा, आपके लाखों भक्तों के दिल भी रुक जाएंगे। चिंता क्यों करती हो, कुछ नहीं हुआ ना। अब से सफाई करते समय इस ईंट पर ध्यान रखना। इसमें आपके प्राण हैं, आपने कहा। आप हम सब के प्राण हैं। हम सब प्राणों की तरह इसकी रक्षा करेंगे बाबा। सबका मालिक एक है, सब वही देखेगा। अरे हट जा रे। ए, जल्दी करो, जल्दी करो। ए, 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 चलो जल्दी। ठहरो 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 ठहरो। रुक 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 रुक। कहीं देखी है तुम्हारी ये शक्ल? हाँ, तुम्हारा नाम भूटिया ना गुटिया है ना कुछ? भाटियो। हाँ भाटिया। मेरे ऊंट चाचा घोड़ा बेटे को मरे हुए बहुत समय हो गया, अभी तक ये गधे तुम्हारे साथ जिंदा है क्या? अच्छा ये नई सवारी क्या है भाई? पशुओं पर से मेरा भरोसा उठ गया है, इसलिए हमारी बात पर ये सवारी खरीद ली। तुम इनकी लुटिया डुबो रहे हो। अरे हमने कहाँ डुबोया? तुम्हारी खांसी नहीं, बुद्धि भी चली गई। बुद्धि मेरी नहीं गई है, तुम्हारे मालिक की गई है। ये रिक्शा खींच रहा है इसीलिए इसे तनख्वाह दे रहे हो, इन पर हुक्म चलाते हो इसीलिए इन्हें तनख्वाह दे रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करते बोलो? इसे नौकरी से निकाल कर इन दोनों गधों को इसमें लगा कर वो पैसे बचा कर अपनी जेब में रख लेता। इतना काम मैं नहीं कर सकता। तू जा रे, तुम खींचो। गधे के बाप तुझे भी दे। ये हुई ना बात, चलो खींचो रे। अब्दुल्ला। हाँ बाबा। फौरन जाकर माल सपति और सबको बुलाओ। बाबा तुरंत आने के लिए कहा। क्या हुआ बाबा? मुझे भगवान के पास से बुलावा आया है। बाबा! क्या आप हमारी परीक्षा ले रहे हो बाबा? ईश्वर आपको कैसे बुला सकता है, आप स्वयं ईश्वर हैं ना? मैं उस ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, बस 3 दिन में फिर लौट आऊंगा। 3 दिन में लौट कर आओगे? संसार में कभी ऐसा हुआ है क्या बाबा? बाबा ऐसी बातें मत करिए। कल आपने संकेत है कहा था, आज ईश्वर के पास जाकर 3 दिन में वापस आने को कह रहे हैं, ये कैसे होगा बाबा? मेरी आत्मा जाएगी, शरीर यहीं रहेगा। इस शरीर को 3 दिन तक आप लोग संभाल कर रखना। बाबा बाबा आप क्या कह रहे हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। समय बीत रहा है, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। इन 3 दिनों में मेरी धड़कनें रुक जाएंगी, मैं सांस नहीं लूंगा। बाबा, बाबा। यदि मुझे वहां से वापस आने की भगवान से अनुमति नहीं मिली तो बाबा। बाबा। ऐसी बातें मत कहिए बाबा, आपके बिना हम अनाथ हो जाएंगे। आपका मार्ग ही हमारा मार्ग है, हम भी आपके साथ अपने प्राण त्याग देंगे। गलत, ऐसा मत कहिए। कौन सा मनुष्य कितनी सांसे लेगा, ये सब लिख कर भेजता है भगवान। बाबा देखो, अगर मैं नहीं आया, वहां एक गड्ढा खोद कर मेरे शरीर को दफना देना। उस जगह पर हिंदुओं के लिए भगवा झंडा और मुसलमानों के लिए हरा झंडा फहरा देना। बाबा, 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 बाबा,
गुरुदेव 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 आप यहाँ मालकिन के साथ घूम रहे हो? क्या हुआ रे? गुरुदेव आपके लिए खुशखबरी है। क्या है? बाबा जी सिधार गए हैं। मर गया? हाँ। तो फिर घर घर में मिठाई बांटो। 3 दिन बाद फिर वापस आने वाले हैं। मरने वाला फिर कैसे आएगा पागल बेवकूफ? आप सुनते नहीं, बाबा ने कहा है 3 दिन बाद वापस आएंगे। हाँ, लोग सबको वहाँ रखकर इंतजार कर रहे हैं। फिर तो ये बात कलेक्टर मैकवेल को बतानी पड़ेगी। क्या बताओगे, कैसे बताओगे? शव के बाजू में सारे गाँव वाले बैठ कर भजन गा रहे हैं। साईया ने माई बाबा याने बप्पा साई बाबा तेरे बिन नब बिन माँ बाप के हम तो बच्चे हो गए दोनों पंख कटे वो पंछी हो गए तुम आओगे इस आस में जी चांद को तरसे ऐसे हम सितारे हो गए करोड़ों तारे हो गए आंसुओं के धारे हो गए बिन माँ बाप के हम तो बच्चे हो गए दोनों पंख कटे वो पंछी हो गए अब गोली खेले किससे बोध सुनेंगे किससे अब दुख बांटेंगे किससे लीला देखे किससे अब गोली खेले किससे भजन सुनेंगे किससे अपनी व्यथा कहेंगे किससे भजन सुनेंगे किससे अपनी व्यथा कहेंगे किससे डांट सुनेंगे किससे सुनेंगे किससे मीठी बात सुनेंगे किससे साईं जीवन देने वाले निर्जीव हो गया जब तक तुम आँख न खोलो हम पलक न झपकाएंगे बिन माँ बाप के हम तो बच्चे हो गए दोनों पंख कटे वो पंछी हो गए तुम काली तुम चतारा तुम सिगिरि सुता सुंदरी भैरवी तुम क्षंतव्यो मे पराधः प्रकटित वदने कामरूपे कराणे तुमने दी उस विभूति को तुमको ही लगाए साईं जागो रे साईं जागो रे छोटी सी छड़ी से तुझको ही जगाए साईं जागो रे बाबा जागो रे अब तक मांगा करते थे तुम हमसे भिक्षा का अब तक मांगा करते थे तुम हमसे भिक्षा का ना दोगे जब तक माने ना आने तक हम चुप बैठे ना आने तक हम चुप बैठे ना
डॉक्टर। यस सर। ये साई बाबा जिंदा है या डेड है, जाकर टेस्ट करो। यस सर। बाबा इज डेड। नहीं नहीं, बाबा ने कहा था 72 घंटे में आएंगे, वो समय अभी पूरा नहीं हुआ। 71 घंटे 45 मिनटों में जब बाबा नहीं उठे तो पांव घंटे में उठेंगे। हाउ हाउ हाउ। ए बाबा, गुड मॉर्निंग। सी, नो आंसर, इज डेड। यस, यू आर राइट। गड्ढा खुदवाओ, काट देंगे इसे। कलेक्टर साहब, हमारे विश्वास रखिए, हमारे भरोसे को नहीं मानेंगे। हम समय गवाएंगे तो शव सड़ने लगेगा, पहले ही गांव में प्लेग की बीमारी फैली है। डेंजर। यस, यू आर राइट। नहीं, बाबा ने जो वचन दिया है वो अवश्य होकर रहेगा। ये साधारण मनुष्य नहीं, महात्मा है, अवश्य आएंगे। वो लौट के आएंगे, हमें पूरा विश्वास है। कलेक्टर साहब, इनकी बातें सुनते रहेंगे तो शिरडी में एक भी नहीं बचेगा, सबके सब प्लेग से मर जाएंगे। खोदिए खोदिए गड्ढा, फास्ट फास्ट। Go ahead. Om Sai Sri Sai Jay Jay Sai. Om Sai Sri Sai Jay Jay Sai. Sai. My God, it's a miracle. Must be the first time in the world, huh? इस दुनिया में मरने के बाद, and then 3 days के बाद आदमी का वापस जिंदा होना, पहली बार देखा है. But how it is possible? Mr. McWell, nothing is impossible. The soul is different from body. When the soul leaves the body is pronounced dead. My soul left my body, went to the Lord's place, and came back. Now I am alive. समझ गए ना? I'm very sorry, Baba. इसमें किसी की कोई गलती नहीं. समय संदेह को मिटा देता है, समाधान देता है. अभी जाइए. मैं चलता हूँ, बाबा. गुरुदेव, एक काम करोगे तो अच्छा होगा, जाकर बाबा के पैर पकड़ लो। पैर? पैर? पैर पकड़ लूं? नहीं तो गड्ढे में दफना देंगे। दफना देंगे? Any doubts? गाड़ी में बैठने के बाद बताऊंगा। चलो चलो। बाबा जिंदा कैसे हो गए? हाउ हाउ भागो, पीछे पड़ जाएगा। अरे भागो भागो भागो, अरे भागो जल्दी भागो, अरे आगे, अरे भागो भागो, अरे जल्दी, अरे अरे रन रन जल्दी रन जल्दी रन, अरे भागो भागो। गुरुदेव, अरे मेरा पाँव, मेरा पाँव। अरे गुरुदेव का पाँव मुड़ गया। हाँ हाँ। अरे गाड़ी उठाओ उठाओ। हिम्मत रखिए गुरुदेव। तू पंगा कर रहे हैं। ये लीजिए मांड। खाने की जगह रोज ये मान। बाप रे बाप। बाप रे के बदले बाबा को याद कीजिएगा ना तो मोच ठीक हो जाएगी। फिर से उस बाबा का नाम लिया तो गले में डाल दूंगा ये मान। इसीलिए सब हुआ है। मालकिन, हम दोनों के लिए दूध भेज दो। हाँ, हम भी मिलके पी लेंगे। मैं डालूंगा, तू मालिश कर, तू पंखा कर। आप पीजिए ना। कहाँ हो साईं,
तेरी गोदी में आंखें मूंद लो। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ मर गई, अब मैं कैसे जीऊंगा बाबा? जन्म मरण, फिर से जन्म, फिर से मरण, यही तो जीवन है, समझे तात्या? लक्ष्मीबाई, ये अनाथ हो गया इसलिए दुखी है। आज से इसके आंसू पोंछने की जिम्मेदारी मेरी और पेट भरने की जिम्मेदारी तेरी। ठीक है बाबा, मैं इसे अपने बेटे की तरह रखूंगी। वारी किस्मत, छी 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 छी, इसके पास काम करना पड़ रहा है। सफेद कुत्ता, सफेद भेड़िया, तेरी तो थैंक्स रे, सफेद सुअर, छी छी, तेरी कोई जिंदगी है? बड़ी मूंछ वाला गधा, चप्पल निकाल कर मारूंगा। माय फुट सर, सर मैंने हमारे देश में आए साहब के लिए आटे से बनी मिठाई लाया हूँ सर। मिस्टर संदेह हम, ये देखने के लिए या खाने के लिए? देखते हुए खाने के लिए। ये क्या गेंद जैसा है? ये साइकिल के पहिए जैसा? ये तो राउंड टेबल जैसा है। ये गेंद नहीं, पूर्णम है, भूमि अर्थ अर्थ। ये साइकिल व्हील नहीं, गारे हैं, विष्णु चक्र। ये राउंड टेबल नहीं, बेब्बा, फुल मून। माय फुट, भंद विश्वास। भंद विश्वास नहीं सर, अंधविश्वास। I know man, इस भंद विश्वास से एक भिकारी को गार्ड बना के भजन भजन कर रहे हैं। Who is that साई बाबा? हम गोरे मालिकों को सलाम करने वाले गुलाम एक फकीर के पास एक मस्जिद के पीछे घूम रहे हैं। गलत है सर जी, वो मामूली आदमी नहीं है। 20-25 साल से लोग उन्हें राम और श्री कृष्ण के रूप में देख रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं। They are seeing God in him. Shut up, my foot idiot. मुझसे अंग्रेजी में बात करेगा? उन्हें सकल देव स्वरूप मान रहे हैं प्रभु। मैंने अंग्रेजी में तो बात नहीं की, फिर आपने क्यों मारा? जो समझ में नहीं आते उस हिंदी में बात करने के लिए। क्या हुआ, मार नहीं लगा? मैं बाबा का भक्त हूँ, उनके भक्तों को जो मार पड़ती है बाबा स्वीकार लेते हैं। एक बार उनके प्यारे घोड़े श्याम करनी को जब किसी ने खूब जोर से मारा तो ब्लडी इंडियंस, भंद विश्वास। यू नो, दुनिया में ब्रिटिश लोग ही महान हैं। हमने रेल की खोज की, तुम लोग बैठकर घूम रहे हो। हमने विमान की खोज की, तुम लोग चढ़कर उड़ रहे हो। हमने टेलीफोन की खोज की, तुम घंटों घंटों पागलों की तरह बकवास करते रहते हो। हम लोगों के तेज दिमाग के सामने तुम इंडियंस का दिमाग जीरो। आपके पास इतना दिमाग है तो इस पूर्णम में गुड़ अंदर कैसे आ गया बताइए? ये सरप्राइज है, कैसे आ गया पूर्णम में गुड़ कैसे आ गया ये तो बता नहीं सके, और अपने आप को दिमाग वाला कहते हो? हम बेवकूफ हैं। इसीलिए हमारे कुछ लोग आपके बारे में सोचते हैं कि क्या सोच रहे हैं? बाबा ने कह दिया है ब्रिटिश जैसे आए थे वैसे ही चले भी जाएंगे। जिनके मुंह में खुजली है वो ऐसा कहते हैं। और क्या सोच रहे हैं? आपका झंडा फाड़ कर उसका पोछा बना कर बनाएंगे। अब मैं नहीं, जिनके मुंह में खुजली है वो ऐसा कहते हैं। कैसे भी उस बाबा पर एक नजर रखनी पड़ेगी। अतिथि आ रहे हैं, आइए। बाबा, ब्रिटिश राज्य के हाथों से
हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष करने वाले महानुभाव हैं। जानता हूँ, स्वराज मेरा जन्म सिद्धाधिकार है, इस नारे से उत्तेजना भरने वाले बाल गंगाधर तिलक। पापा, क्या हमारा अभियान सफल होगा? क्या हमारे देश को स्वतंत्रता मिलेगी? मिलेगी, पर अभी नहीं। जल्द ही एक महात्मा आ रहे हैं, उनका नाम गांधी होगा। उनकी वजह से हमारे देश को स्वतंत्रता मिलेगी। लाल किले पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा। जय साई राम। भाई, माय फुट। अब कहां का फुट बे? हमारे देश को स्वतंत्रता मिलेगी, बाबा जी ने बाल गंगाधर तिलक को कह दिया है। स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। मुझे स्वतंत्रता नहीं चाहिए प्रभु। उस फकीर के पास कोई फ्रीडम फाइटर आया था, स्वराज कह रहा था। इस फकीर ने भी इस देश को स्वराज मिलेगा ऐसा बोला है। वो फकीर भिखारी के भेष में तीव्रवादी है। उसकी फोटो ब्लैक एंड व्हाइट में खींचूंगा। वो बाबा ब्लैक है या व्हाइट फटा करूंगा। फॉलो मी, कम ऑन, फॉलो मी। बाबा, आपने सपने में आकर कृष्ण मंदिर बनाने के लिए मुझे जो अनुमति दी, सचमुच ये मेरा सौभाग्य ही है। बूटी, आगे चलकर इस मंदिर में लाखों भक्त आएंगे, नित्य आरती होगी, भजन करेंगे। विजयदशमी तक यह मंदिर पूरा होना चाहिए। विजयदशमी, ये तो बड़ा अच्छा दिन है बाबा। किसी भी दिशा में जाओ, दशमी अच्छा दिन है। आइए, वही बाबा है। सर सर सर, बहुत अच्छा होगा यदि आप उनसे परमिशन ले लें। He is living God. My foot. हमको परमिशन कैसा? We are ruling gods. याने राजा हैं हम लोग। साईं बाबा राजाओं के राजा हैं। जीसस एक ही संसार के प्रभु है, समझा? Nonsense. बीच में ये सर कहाँ से आ गए? तुम्हारे सर में भूसा भरा है, यही कहने के लिए। My foot. उनके अनुमति के बिना फोटो मत खींचो, ऐसा कहने आए हैं वो। हम खींचेंगे। तो खींच लीजिए। खींच कर धोइए। धो के देख लीजिए। उसमें क्या आएगा? Never. I will take it. I will show it. Ready? One, two, three, four. Click. Okay. Mr. Sunday, हम क्यों चिल्ला रहे हो? आपकी खींची फोटो देखकर आंखें घूम रही है, आपका क्या घूमेगा? My foot मत कहिए सर। हर बात से पहले my foot कहने से बाबा का फुट आपके हाथ में है। आपके देश में शेक हैंड करते हैं, हमारे देश में झुककर पांव छूते हैं, इसलिए माय फुट कहना छोड़कर बाबा के पांवों को नमस्कार कीजिए। शट अप, इसमें कोई मैजिक है? मैजिक नहीं सर, हमारे पुराणों में वामन अवतार की एक विशेषता है। आकाश पर एक फुट, भूमि पर एक फुट, तुम्हारे सर पर एक फुट।
इस देश में देवताओं के पांवों की महानता साधारण बात नहीं है महाप्रभु। परम योगी जन को परम पद देने वाले, परम पावन विष्णु के चरण, भव बंधन मुक्त ब्रह्मांड तेजस, परम पावन विष्णु के चरण, परम पावन पर ब्रह्म के चरण। ये भूमि गगन सब माप के पल में बलिदम भरता वामन के चरण, दिव्य है भव्य है पुण्य गंगा जल का प्रवाह जगन्नाथ के चरण, गले लगा के गुह को मित्रता करे जो कुल मतातीत रघुकुल राम के चरण, दस दिशा दीप ये चरण, दया का प्रतिरूप ये धर्म चरण, शरणं श्री विष्णु के चरण, शरणं श्री राम के चरण, शरणं श्री कृष्ण के चरण, शरणं श्री साई के चरण, शरणं श्री साई के चरण, शरणं गुरु साई के चरण। कपटी राक्षस के विकट भय से मुक्त शकट आदि के संहारिये चरण, कालियाफन पर तकधिन नृत्य करते कृष्ण के चरण, कंसाधि विध्वंस हिंसा मिटाई यदुवंश वर राज हंस ये चरण, तीन मूर्ति मुक्त ये चरण, कोटि देवों के मूल ये चरण, शरणं श्री विष्णु के चरण, शरणं श्री राम के चरण, शरणं श्री कृष्ण के चरण, शरणं श्री साई के चरण, शरणं श्री साई के चरण, शरणं गुरु साई के चरण, शरणं श्री साई के चरण, शरणं श्री साई के चरण, शरणं गुरु साई के चरण। बाबा बाबा हमें क्षमा कर दीजिए बाबा। अच्छा करेगा। ये वेल साहब है बाबा, ब्रिटिश राज्य के प्रतिनिधि। आपके अनुमति के बिना आपकी फुल साइज फोटो खींची तो आपके फुल साइज पांव आ गए बाबा। आगे चलकर ये पांव लोगों के मार्गदर्शक बनेंगे, ऐसा होगा। इन पांव का अर्थ है अच्छे मार्ग पर पांव रखने वालों को अच्छा भविष्य मिलेगा। हमने पहले ही कहा था बाबा की अनुमति के बिना फोटो खींचोगे तो ऐसे ही आएगी। अब भी अनुमति लेकर फोटो खींच लीजिए। Why should I take permission? With whose permission did you enter our land? With whose permission you are doing business in our motherland? With whose permission you are applying divide and rule policy in our holy land? Oh, बाबा अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो आपको कुछ अजीब सा लग रहा है ना? Shut up! कैसे भी इस बाबा का फोटोग्राफ खींचकर हाई कमांड को भेजना है। बाबा, shall I take your photograph now? Mr. Wales, now you can take my photograph.
थैंक यू बाबा। क्या हुआ, फिर से पांव आ गए क्या? नहीं साहब, बाबा दिव्य रूप में जगमगा रहे हैं, ये देखिए। माय गॉड, बाबा, जीसस, बाबा, बाबा, माय गॉड, बाबा, माय फुट कहते बाप किए हैं, एक बार आपके पांव छूना चाहता हूं। राम भी आप हैं, कृष्ण भी आप हैं, अल्लाह भी आप हैं, जीसस भी आप हैं। यू आर एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल गॉड्स। बाबा, आई सरेंडर टू यू। उठो वेल्स, उठो। बाबा, आपने फोटो खींचने का परमिशन दिया, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? इस फोटो की कॉपी करके इस शिरडी के हर एक को देना। थैंक यू बाबा। आप स्वयं हमारे सामने हैं, तो हमें फोटो की क्या जरूरत बाबा? मैं जहाँ भी जाऊँ तुम देख सकते हो, मुझे भी तो तुमको देखना है। मुझे देखने के लिए इस शिरडी में आने की जरूरत नहीं, मेरी फोटो जिस घर में है मैं वहीं रहूंगा, समझे? समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साई जय, जय साई, जय जय साई, ओम साई श्री साई, जय जय साई, जय जय साई, ओम साई श्री साई, जय जय साई, जय जय साई, जय जय साई। कितने दिन सहना पड़ेगा ये दर्द? सुनी जी, यहाँ आइए ना, मेरी बात मानिए और बाबा को प्रणाम कीजिए, आपके घुटनों का दर्द कम हो जाएगा। खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, वहाँ कैसे आऊँ? बाबा पर भरोसा रखिए, मन स्फूर्ति से प्रार्थना कीजिए, हृदय में श्रद्धा से बुरी हो तो बाबा निश्चय करुणा करेंगे। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी सारी गलतियों को माफ कर दीजिए बाबा। बाटिया, 2 रुपए दो। बाबा, कृष्ण मंदिर के लिए जितना कहेंगे दूंगा, 2 रुपए ही क्यों बाबा? मैंने मांगा है तुम्हारे अहंकार और तुम्हारे अज्ञान को। किंतु बाबा, आप सबसे 2 रुपए ही क्यों मांगते हैं? चित्त शुद्धि नहीं हो तो श्रद्धा सुबुरी ले लेता हूँ, किसी और से ईर्षा और द्वेष ले लेता हूँ, तो किसी और के पास से काम और क्रोध ले लेता हूँ। बाबा, हम दोनों को भी अपने रुपए समझ लीजिए, हमारे अंदर से भी अहम निकाल लीजिए बाबा। हाँ, निकाल दीजिए बाबा। अब तुम दोनों अहम छोड़कर ये हमको पहचानना सीखो। हाँ, ठीक है बाबा। बूटी बाबा, मंदिर बहुत सुंदर है। ये सारा आपका संकल्प है बाबा, श्री कृष्ण की मूर्ति भी तैयार हो गई है। जैसा सोचा था बूटी, मूर्ति को रखने के लिए वहाँ एक सुंदर चबूतरा बनवाओ। ऐसा ही होगा बाबा। भगवान शिव होते तो जरूरत नहीं थी, पर कृष्ण थोड़े अलंकार प्रिय हैं। बाबा,
बोलो दास करूं। आप अनुमति दें तो गांव में घूमकर आपकी महिमा को हरि कथा के रूप में प्रचार करूं। शुभ होगा दास करूं। अब जाओ दास करूं। कहिए बाबा। कुछ नहीं, बस यूं ही देखने का मन हुआ बाबा। ये खून क्या हुआ तात्या? क्या हुआ तात्या बोलो। वादा करो, वादा करो ये बात बाबा से नहीं कहोगी। वो ये सहन नहीं कर पाएंगे, वो ये बात सहन नहीं कर पाएंगे। बाबा लक्ष्मी भाई, तात्या ने मुझे कुछ कहने से मना किया है ना तुम्हें? बाबा रो मत लक्ष्मी भाई, तात्या को कुछ नहीं होगा। तात्या और मेरा सिर्फ बंधन नहीं, जिम्मेदारी भी है। उसकी माँ वो तो मेरी बहन पाहेचा भाई थी। मैं कहीं भी रहता ढूंढ ढूंढ कर मुझे खाना खिलाती। उसका कर्ज तो चुकाना ही है, मैं अपने प्राण दे दूंगा पर तात्या को कुछ नहीं होगा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न सो। टूट गई। माफ कर दो बाबा, माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया बाबा। इसमें तुम्हारी गलती नहीं। एक दो हो गए, वही शरीर और आत्मा दोनों अलग। बाबा ऐसी बातें मत करिए, अब्दुल्ला से गलती हो गई। यह अब्दुल्ला का काम नहीं है, उस ईश्वर का काम है। इस धुनी में लकड़ी जलना जितना आसान है, चिता में ये देह जलना भी उतना ही आसान। लक्ष्मी भाई, इस विश्व में भक्ति मार्ग नौ है। तुमने मेरी सारे मार्गों से आराधना की, बाबा। उसी की याद में ये नौ सिक्के रख लो। आपके बिना ये सिक्के मेरे किस काम के बाबा? वो बात
मेरा रोग ठीक हो गया, मेरी खांसी चली गई। बाबा 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 बाबा, इतना त्याग मत करो बाबा, मेरे बदले आप जाने की सोच रहे हैं। मैं करोड़ों लोगों में से एक हूं, आप करोड़ों लोगों को अभेदान देने वाले परमात्मा हैं। आप मेरे लिए त्याग करके हमसे दूर मत जाओ, दूर मत जाओ। तात्या, कहा था ना, हमारा जन्म जन्म का बंधन है, वो टूट गया। बाबा, फिर हमारी परीक्षा मत लो, क्या वो ईश्वर इस ईश्वर को ले जाएंगे? ये तो होना ही था मालसपति, भगवान का बुलावा आया है, उसी की गोद में जा रहा हूं। नहीं, ऐसी ऐसा मत करो बाबा। मैं नाना वाली बोल रहा हूं बाबा, हम आपको इस तरह नहीं जाने देंगे, हम काल चक्र को भी रोक देंगे, उस भगवान से भी लड़कर हम आपको बचा लेंगे बाबा। मैं आकार छोड़ रहा हूं नाना वाली, अवतार को नहीं। मेरे जाने के बाद ये शिरडी सारे भक्तों को वर देने वाली पुण्य स्थली बन जाएगी। नदी आज जैसे समुद्र में मिल जाती है, सारे धर्म के लोग इस शिरडी में आकर मिल जाएंगे, सबका मालिक एक। मालसा बाबा, एक बार दासगणों को देखना है, खबर भिजवा। बाबा, बाबा, हवा ये थम जाएगी, ऐसा होगा क्या? धरा पिघल जाएगी, ऐसा होगा क्या? गिर जाएगा गगन, ये ऐसा होगा क्या? ईश्वर का भी है मरण, ऐसा होगा क्या? ये होगा अब नहीं, ना होने देंगे हम, जाना ना बाबा, जाना ना, मैं मौत ना आने दूंगा बाबा, जाना ना, तेरे बदले बलि हो जाऊं बाबा, जाना ना बाबा, जाना ना, जाना ना बाबा, जाना ना। बाबा, आपको देखे बिना, आपकी कृपा दृष्टि बिना कैसे जी पाएंगे बाबा? बाबा, आपके बिना कैसे रहेंगे, हमारे दुख कौन दूर करेगा बाबा? मेरे भक्तों, भक्ति का दास हूँ मैं, सूर्य चंद्र और तारों में दिख जाऊंगा मैं, तुम्हें देखा करूंगा मैं, बाबा हूँ मैं, हर भार तुम्हारा हर लूंगा। समाधि से मैं, समाधि से मैं उत्तर दूंगा, मदद चाहोगे दौड़ाऊंगा, पुकारोगे तो बोलूंगा, पुकारोगे तो बोलूंगा, पुकारो बाबा, जाना ना बाबा, जाना ना, तेरे बदले बलि हो जाऊं बाबा, जाना ना बाबा, जाना ना, जाना ना बाबा, जाना ना। आपके भक्तों के घर में कभी कमी नहीं होगी, ये कहा था आपने बाबा। हमारे पास छांव नहीं, रोशनी नहीं,
हमारे जीवन का अर्थ नहीं है। आपके बिना ये सुनापन बाबा कैसे मिटेगा, कैसे मिलेगा। निर्मल अपने हृदय से, निश्चल अपनी भक्ति से, तुम शीश झुकाओगे तो मैं सेवक बन जाऊंगा, मेरा नाम स्मरण कर लोगे, सब कमियां दूर करूंगा, मेरी आरती जब जब लोगे मैं आपदाएं हर लूंगा, मेरी विभूति धारण कर लो मैं वेदनाएं हर लूंगा, मेरी ज्योति जगाते रहना, जीवन जगमग कर दूंगा, मेरे चरित को पढ़ते रहना मैं चरितार्थ कर दूंगा, मृत्यु शैया नहीं ये शरणागतों की, करुण शैया है समाधि नहीं है ये कष्ट निवारिणी सन्निधि है, ज्ञान संपदा देने वाली निधि है, शांति सुख देगी शिरडी शिरडी, शांति सुख देगी शिरडी। बाबा 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 बाबा।